हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किशन सरोज और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों अगर आप जियो सिम कार्ड यूज करते हो, जियो सिम यूजर हो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 3 कमाल के ट्रिक बताने वाला हूँ जो जियो सिम से रिलेटेड है। एंड ये दोस्तों अगर आप नहीं जानोगे ना तो बाद में दोस्तों आप पछता सकते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखना एंड तीनों ट्रिक के बारे में जान के जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ तक कि दोस्तों इस ट्रिक की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में जियो सिम कार्ड का नेटवर्क सबसे तेज कहां पे चलता है, सबसे तेज इंटरनेट कहां पे चलता है आपके घर में। सो समझ सकते हो कि सारी ट्रिक कितनी काम की होने वाली है। तो उसके लिए दोस्तों बस आप इस वीडियो को लाइक करो एंड गाइस कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहो। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको जो तीनों ट्रिक बताऊंगा वो फिलहाल जियो सिम से रिलेटेड है एंड ये अदर सिम पे भी आप ट्राई कर सकते हो। बस दूसरा वाला जो ट्रिक है वो आप सिर्फ और सिर्फ जियो सिम पे ही ट्राई कर सकते हो एंड अदर सिम पे नहीं कर सकते। एंड बाकी के जो ट्रिक्स हैं, बाकी के जो दोनों हैं, वो किसी भी सिम कार्ड पे आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मोस्टली मेरा जो फोकस है वो जियो सिम कार्ड यूजर्स के लिए है। सो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए एंड आइए मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहला ट्रिक क्या है एंड इससे दोस्तों आप कैसे पता कर सकते हो कि आपके घर में सबसे तेज इंटरनेट कहाँ पे चलता है। आपसे यही पूछूंगा तो आप लोग बोलोगे यार विंडो के पास जाता हूं तो तेज चलता है, यहां जाता हूं तेज चलता है, लेकिन दोस्तों रियल में तेज कहां पे चलता है आपको पता नहीं चलता, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। सो उसके लिए बस आपको करना क्या पता है, आपको अपने मोबाइल फोन के ना सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेटिंग में आने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में आना है एंड यहाँ पे लिखना है सिम स्टेटस। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, सिम स्टेटस लिखते ही दोस्तों आपको यहाँ पे सिम स्टेटस करके एक सेटिंग आ जाएगा। ये सभी के फोन में होता है। अब कोई बोलेगा कि मेरे फोन में नहीं है, तो भाई ऐसा नहीं है यार, सिम स्टेटस सभी के फोन में होता है, बस उसके फोन में सिम कार्ड होना चाहिए। सिम कार्ड नहीं है तो सिम स्टेटस पता नहीं चलेगा, लेकिन सिम कार्ड है तो सिम स्टेटस का पता चल जाएगा एंड इससे दोस्तों आप बड़ी आसानी से ये पता लगा पाओगे कि आपके फोन में कहाँ पे सबसे तेज इंटरनेट चलता है, जहाँ पे आपको पबजी खेलने में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। सो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं स्टेटस पे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे सिम स्टेटस 1 दिखाई देगा, सिम स्टेटस 2, मतलब कि जितने सिम कार्ड हैं, दो सिम कार्ड है तो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है तो मेरे फ़ोन में एक ही सिम है, तो यहाँ पे जियो सिम जो मैंने यहाँ पे स्लॉट 1 पे डाल रखा है तो इसके ऊपर मैं टैप करूंगा। इसके ऊपर टैप करते ही दोस्तों यहाँ पे मेरे सिम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब आप लोग सोच रहे हो यहाँ पे हम ये पता कैसे करेंगे कि हमारे फ़ोन में यानी कि हमारे घर में सबसे तेज नेटवर्क कहाँ पे मिल रहा है, सबसे तेज इंटरनेट कहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे आपको सिग्नल स्ट्रेंथ दिया हुआ है जो इस समय मेरा -97 दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे इस समय जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे मेरा जो नेटवर्क है या फिर जो इंटरनेट है वो बहुत ही स्लो है। ये हमेशा दोस्तों 90 के अंडर होना चाहिए, मतलब 60, 50 या फिर 40, अगर इतना है तो समझ लेना वहाँ पे आपका जो इंटरनेट का स्पीड होगा वो 1 Mbps से ऊपर होगा, इतना तेज होगा सोच सकते हो। लेकिन अगर ये 90 से ऊपर है तो वहाँ पे आपको कम इंटरनेट स्पीड मिलेगी। तो आप इससे लेके ऐसे ऐसे घूमोगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। जहाँ जहाँ पे ये चेंज होगा, जहाँ पे सबसे कम दिखा रहा है मतलब कि -90 के अंडर होना चाहिए, 90 के अंदर है तो आपके फोन का जो इंटरनेट है वहाँ पे बहुत ही तेज चलेगा। लेकिन फिलहाल इस समय जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे 96, 97 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा मोबाइल फोन का जो इंटरनेट है वो बहुत ही स्लो चलता है। तो इससे दोस्तों आप ये पता लगा सकते हो बड़े आराम से एंड सिग्नल स्ट्रेंथ की मदद से आप कहीं पे भी लोकेशन का पता लगा सकते हो कि यहाँ पे इंटरनेट कैसा मिलेगा एंड कैसा इंटरनेट चलेगा। ये सभी सिम कार्ड पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये जियो पे ही इस्तेमाल कर सकते हो। सिग्नल स्ट्रेंथ की मदद से आप किसी भी मतलब कि सिम कार्ड की स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हो कि कहाँ पे उसका इंटरनेट काफ़ी तेज चलता है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। इससे आप अपने घर का पता कर सकते हो, आपके घर में किचन में अच्छा नेटवर्क चल रहा है, बेडरूम में अच्छा नेटवर्क मिल रहा है, हॉल में मिल रहा है, कहीं पे भी आप मतलब की सारी चीजों का पता कर सकते हो। सो ये हो गई हमारी सबसे पहली ट्रिक। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बता देता हूँ दोस्तों। दूसरी ट्रिक ये है, जब भी आप किसी को कॉल लगाए हो, कॉल लगाने के बाद कट करते हो तो आपके स्क्रीन पे एक पॉपअप सा आ जाता है, काफ़ी सारी वहाँ पे डिटेल लिखी रहती है, आपने इतने मिनट बात करी, इतना चार्जेस गया, इतना डेट एंड टाइम एंड फलाना ढिमकाना ऐसा कुछ लिखा रहता है, तो वो बार बार आता रहता है एंड आपको ओके करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है, ये ऐसा मीन्स वहाँ पे ऑप्शन दिए रहते हैं करने को। तो अगर आप चाहते हैं इसे बंद करना ताकि कॉल डिस्कनेक्ट हो तो कोई भी पॉपअप ना आए, कोई भी इरिटेशन वाली
चीज ना आए तो उसके लिए दोस्तों सिंपली आप अपने माई जियो एप्लीकेशन में चले जाओ। सो यहाँ पे मैं अपने माई जियो एप्लीकेशन में चले जाता हूँ। कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हो माई जियो एप्लीकेशन को आपको ऑन करना है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या करना है। इसे ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसे कट कर देते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो तीन लाइन दिया हुआ है, तो आपको इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करते ही दोस्तों आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मतलब की सारी डिटेल होती है, मतलब सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, तो आपको यहाँ पे आपको एक दिखाई देगा एंड ऑफ कॉल नोटिफिकेशन, तो आपको इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करते ही दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा ऑन ऑफ करने का, तो आपको इसे बंद कर देना है। इसे बंद करने के बाद आपको इसे सबमिट कर देना है, ओके कर देना है, इसे यस कर देना है। सो ओके हमने यहाँ पे कर दिया। सो हमारा ये चीज हो चुका है। अब क्या होगा दोस्तों, हमारे फोन पे जब भी कोई कॉल डिस्कनेक्ट होगी या फिर जब भी कोई कॉल मतलब कि कट करूंगा तो कोई भी पॉपअप सा बना हुआ नहीं आएगा। कोई भी इंटरनेट इतना यूज कर लिया तो एक पॉपअप सा आ जाता था, काफी सारी इरिटेशन होती है इन सब चीजों से, तो इसे आप बंद कर सकते हो। इससे आपके फोन की बैटरी काफी ज्यादा बचेगी एंड आपका टाइम भी बचेगा, बार बार ओके सेव वगैरह करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग थी। अब मैं आपको तीसरी सेटिंग बता देता दोस्तों। तीसरी सेटिंग की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके फोन में कोई कॉल फॉरवर्डिंग तो एक्टिवेट नहीं है, एंड अगर आपके फोन में कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट है तो उसे कैसे बंद कर सकते हैं, ताकि दोस्तों आपके फोन का जो आपके फोन में जो जियो सिम है उसका कॉल कोई दूसरा ना सुने, तो उसे आप बंद कर सकते हो। उसे बंद करने के लिए सिंपली आपको अपने डायलर पैड में जाना है एंड यहां पे आने के बाद दोस्तों आपको यहां पे डालना है हैश, उसके बाद 21 हैश। इसे जैसे ही आप डायल कर दोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल फॉरवर्डिंग हैज बीन डिसेबल्ड, जो सर्विस है वो डिसेबल हो चुकी है। तो ये मैं बंद करने का आपको बताया ताकि अगर आपके फोन में कोई भी कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो या फिर किसी ने आपका फोन लिया एंड आपके फोन में कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट कर दी तो उसे दोस्तों तुरंत डिसेबल कर सकते हो। इससे दोस्तों आप बच सकते हो ताकि आपका कोई भी दूसरा बंदा कॉल ना सुन सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एंड आप लोग अपने फोन में एक बार जरूर इसे मतलब कि ये जो कोड मैंने बताया इसे डायल कर दे। इसे डायल करने के बाद आप ये मतलब कि क्लियर हो जाओगे कि यस आपके फोन में कोई भी कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट नहीं है, अगर कोई एक्टिवेट होगी भी तो वो डिसेबल हो चुकी है, बंद हो चुकी है। सो ये एक बार आप लोग प्लीज, मैं आपसे मतलब समझ लो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार जरूर ट्राई कर लेना। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।